हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ कोमल किटारे। आप सब कैसे हो कमेंट करके बताओ। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने रूम हीटर चला रखा है क्योंकि विराज की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो डॉक्टर साइड की उसको जितना हो सके हीट दो। तो बेसिकली आज का जो व्लॉग होने वाला है, वीडियो है, मैंने अमेजोन से कुछ चीज़ें मंगवाई थी जिसमें से एक चीज़ मैं खोल चुकी हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिंगल नहीं आ रही थी, वो डबल आ रही थी और मुझे वो चाहिए थी, तो मैंने वो ऑर्डर कर दी। क्या कर सकते हैं, अब आ गई तो आ गई। वो एक मैंने खोल भी ली। सो पहला ऑर्डर जो है मेरा ये आया था। इस दिन तीन ऑर्डर लगातार आए थे एंड मम्मी इज़ लाइक कि तुम्हारा तो ऑर्डर ही ख़त्म ना हो रहा है। तीन ऑर्डर लगातार, अलग अलग टाइमिंग। एक तो सुबह 10 बजे ही आ गया था, मॉर्निंग में, एकदम अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, सो फर्स्ट ऑर्डर में मैंने आई लैशेज़ मंगवाई थी। मार्स की आई लैशेज़ हैं। बहुत मुझे लाइट वेटेड आई लैशेज़ ज़्यादा पसंद है हैवी से। हैवी वालों में तो आपको मेकअप भी छुप जाता है, तो इट्स बेटर कि आप लाइट वाली लें। ठीक है, और मम्मी आ गई, मम्मी कहेगी छोरी तैयारी क्यों ना कर लेती है ना मम्मी। ओ नेल पेंट लगानी है, ठीक है। मम्मी को थोड़ी देर में लगाऊंगी, इसको सुला दो इतने आप। एक्चुअली आज हमें फंक्शन में जाना है शाम को, तो एक गेट रेडी विद मी भी मैं बनाऊंगी। मेरा फर्स्ट गेट रेडी विद मी होगा वो, ठीक है, जिसमें मैं ये वाली लैशेज़ यूज़ करूँगी जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। ठीक है, ये बहुत लाइट वेटेड है, फैबुलस आई लैशेज़। 08 नंबर भी होता है क्या इनका, मुझे नहीं पता गाइज़, ऑनेस्टली नंबर होता है कि नहीं होता, बाकी इस पर लिखा है तो मैंने बता दिया। ठीक है, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है ये, कई बार चल जाती हैं आपकी ना लैशेज़, एक बार खरीद लो तो कम से कम आपके ज़्यादा नहीं तो 7-8 फंक्शंस तो आराम से निकाल देंगे, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं अगर आपको केयर करना है तो। लैशेज़ को कैसे क्लीन करते हैं ये सारी चीज़ें अगर आपको आती तो ईजिली आप कई फंक्शंस अपने निकाल सकते हो। तो फर्स्ट आर दीज लैशेज़ जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, और ये मेरी हीटर की रिफ्लेक्शन आ रही है मेरे लैशेज़ में। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो मैंने इसमें मंगाई थी साथ में, भैया मैंने ऑनेस्टली खोल लिया था, तो ये मेरे को आईब्रो ब्रश चाहिए था। स्विस ब्यूटी की आईब्रो ब्रश मैंने ऑर्डर करी है, जिसमें सिर्फ दो, मतलब 2, 3 और 4 ऐसे इनके पैर्स आ रहे थे, सिंगल नहीं थी। और मुझे कुछ अच्छी क्वालिटी की चाहिए थी क्योंकि लास्ट टाइम वाली मेरी लोकल थी तो बाद में वो तोड़ दी। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर मैंने स्विस ब्यूटी की मंगाई है, क्योंकि स्विस ब्यूटी जो है बहुत अच्छा ब्रांड है। सो लेट्स ओपन इट। और मेरा विराज सो भी रहा है, आवाज़ से बस जग ना जाए, छाड़ देते हैं यहाँ पर, तो क्या ही करना है। ठीक है, सो इस तरीके की इसकी कुछ पैकेजिंग आती है, पैकेजिंग उसकी मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ी है ना, अच्छी अच्छी सी फील आती है जब ऐसा कुछ अच्छा अच्छा हम खोलते हैं। तो इसका ये ऐसा कुछ पैकेजिंग आएगा, इसके अंदर एक साइड जो है आपको आईब्रो ब्रश है या फिर लैश ब्रश, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो कैसे भी यूज़ करते हो। लैशेज पे तो हम ब्रशेज कहाँ यूज़ करते हैं, मस्कारे से काम चल जाता है। तो आईब्रो ब्रश बेसिकली मैं इसको एज अ यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को आईब्रोज फिल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा इनर कॉर्नर पर है क्योंकि मेरे यहाँ पर बाल कम है। बाकी मेरी परफेक्ट है, पीछे मुझे फिलिंग नहीं करनी पड़ती। और साथ ही मैं आपको यहाँ पे एक हाइलाइटर ब्रश भी दे रखा है, हाइलाइटिंग आपके जो इनर कॉर्नर पे जब हम हाइलाइट करते हैं उस चीज़ के लिए। तो इसको मैं खोलकर नहीं दिखाऊंगी, जो मेरी खुली हुई है वही मैं आपको दिखाऊंगी, एक मिनट। तो मैं अपनी उठा के ले आई ये वाली, तो इस तरीके की कुछ दिखती है स्विस ब्यूटी की। दोनों तरफ से बहुत अच्छा ग्रिप है इसका, और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक क्लासी लुक है इसका प्रॉपर। तो इसको हम कुछ इस तरीके से मैं इसको यूज़ करती हूँ, जिससे आपकी जो आईब्रो है उसकी शेप बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप कुछ ना भी करें कई बार, जैसे आजकल तो वैसे भी ट्रेंड चल रहा है कि आपको सिर्फ अपनी आईब्रोज अच्छे से फिल करनी है, लिपस्टिक लगा लेनी है, मस्कारा, ब्लश एंड यूर गुड टू गो। लाइनर्स वगैरह तो बहुत, मतलब इन दिनों देखा जाए तो लाइनर्स लोग बहुत कम लगा रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। तो मैंने ये वाली नहीं खोली है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो ये मैं मनीषा को दे दूंगी क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी है, तो दो का मैं करूँगी क्या। ठीक है, तो ये मैं साइड में रखती हूँ। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट आया था वो ये आया था, यू बेले बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल। ठीक है, तो इसका जो है ये भी अमेजोन से, सारे प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से ही मंगवाए हैं, तो ये आया ही ऐसे था कुछ। तो इसको मैं खोल लेती हूँ। मैंने इयररिंग्स मंगवाए थे, स्टड्स है बेसिकली, वो इयररिंग्स नहीं है, स्टड्स मैंने मंगवाए थे। नाउ लेट्स सी क्या आया है। स्टड्स आए हैं, एक मैंने मांग टीका भी मंगवाया था, जो पतले वाले मांग टीका है वो,
तो अभी देखते हैं इसमें आया क्या है, क्योंकि ये कल के आए पड़े, मैंने खोले भी नहीं है, टाइम ही नहीं मिला, खोलूँ कब, ना बच्चों से ही फुर्सत नहीं है, व्लॉग शूट नहीं हो पाते हैं तो मोर टाइम लग जाता है, तो कोई बात नहीं। ओ इयररिंग्स है गाइस, ओ माय गॉड, तो जेन्युइनली बहुत प्रिटी है। मैंने ये वाले इयररिंग्स ऐसे हैं, ये मेरा ड्रेस, मैंने एक ड्रेस ली थी, मैं अभी जब घर गई थी नजफगढ़ से, मैंने जो शॉपिंग करी थी आपने व्लॉग भी देखा होगा, तो वहाँ से उस ड्रेस के मैचिंग मुझे इयररिंग्स चाहिए थे, इयररिंग्स मेरे पास थे नहीं, तो और उसका ड्रेस का क्या है कि वहाँ पे ना चोकर है इधर, तो चोकर के साथ वाइट काम है मेरी ड्रेस पे, वाइट कलर का, तो उस पर चोकर है प्रॉपर, तो चोकर के साथ क्या है कि वाइट इयररिंग्स नहीं जा रहे थे, वाइट इयररिंग्स से मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे रखे हैं, स्टड्स रखे हैं मोटे मोटे, बट वो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मुझे कुछ पिंक में चाहिए था, क्योंकि मेरी ड्रेस का कलर पिंक है, तो ये बहुत ही बहुत ज़्यादा सुंदर स्टड्स मुझे मिल गए, मुझे बड़े पसंद आए यार, पहन के मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी मैं बिल्कुल पहन के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है, मुझे रात की शाम की तैयारी करनी है, टाइम कितना हो रहा है, 1:30 बजने वाला है, मम्मी पामनी को सुला दे और उसके बाद फिर हम अपना आगे का करेंगे, तो मैं एक निकाल के दिखा देती हूँ आपको, इसकी इस तरीके से ओपनिंग है, ये देखो ऐसे, और ये जो है प्यारा सा आपका स्टोन मिलेगा आपको, और ऊपर आपको सिल्वर काम मिलेगा इसमें, वाइट जिसमें शाइन है हल्की हल्की, मैंने कई जगह ढूंढे बट मुझे नहीं मिले, तो फिर मुझे यही वाले अच्छे लगे, तो मैंने कहा यही ले लेती हूँ, बाकी तो मैंने कहा मिले ना मिले, कब मिले, कहाँ मिलेंगे, तो उस चक्कर में मैं कहा मैं रह ही जाऊँगी, तो मम्मी को जाना था बाज़ार, मम्मी कहती मैं जाके लेकर आ जाऊँगी, बट यार वही ना फंक्शन आने वाला है, एक हफ्ता रह गया है, मेरी बुआ की जो छोटी वाली बुआ है ममता बुआ, उनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे अरेंज चाहिए जो कि मेरे पास नहीं थे और मेरे को अब मिल गए, बढ़िया मैंने मंगा लिया। सो नेक्स्ट, एक तो मैंने ये मंगाया था, नेक्स्ट मेरा ये एक और अमेज़ोन से प्रोडक्ट है जो कि मैं अभी आप ही के साथ खोलूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे को मैं पहनूंगी क्या, सच बताऊँ ठंड इतनी है ना, कुछ डिसाइड ही नहीं करा कि मैं क्या पहनूंगी, अभी देखते हैं, जो मेरा मन है पहनने का अगर मैंने वो पहन लिया तो मैं ठंड में मर जाऊँगी, बहुत ठंड है, और लड़कियों का तो आपको पता ही है, ठंड चाहे कितनी हो बर्फ़ जम रही हो स्वेटर नहीं पहनना मजाक कर रही हूँ, पहनते हैं भाई, कई लोग पहनते हैं, शॉल वॉल भी हम लोग कैरी करेंगे, तो ये क्या है इसके अंदर, या इसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो लाइनर होगा या मांग टीका होगा या दोनों होंगे, मेरे को नहीं पता क्या है इसके अंदर, तो उसको भी खोल लेती हूँ मैं एक बार, ठीक है, बाकी आई नो बहुत दिनों बाद ऐसे शूट कर रही हूँ बोल बोल के, अमेज़ोन के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं और ना प्राइसिंग भी अच्छा है, आप बाज़ार जाओगे 100 रुपये का ऑटो करोगे, ऑटो करोगे 100 आने के 100 जाने के 200 तो यहीं लग गए, 200 रुपये में दो चीज़ आ जाएंगे आपकी, ठीक है, वहाँ जाके फिर आप बोलोगे शॉपकीपर के साथ, बार्गेनिंग करोगे ये वो ये, अरे भाई इससे अच्छा तो तुम ऑनलाइन ही घर पर मंगा लो बैठे बैठे, ठंड इतनी हो रही कहाँ जाओगे बाहर, है ना, तो इन प्रोडक्ट्स के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे, जाकर वहाँ से आप देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि आजकल कई सारी चीज़ें काफ़ी ट्रेंडी हैं। हाँ यार एक ही चीज़ आया यार, लाइनर आया, लाइनर गई, मेरा लाइनर आ गया, बट मेरे को मांग टीका भी दिखाना था आप लोगों को, वो नहीं आया अभी तक, एंड होपफुली प्लीज़ फंक्शन से पहले आ जाए, क्योंकि मुझे वो लगाना है जो पतले वाले मांग टीके होते हैं ना, बीट्स वाले, स्टोन्स वाले वो वाले मैंने मंगाया है, जो कि बहुत अच्छा है, इसको मैं काट लूँ, ऐसे तो दिन ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं निकलेगा, क्योंकि टेप से इतना रैप करते हैं ना इसको बहुत ज़्यादा, ये देखो पामी इसको पॉप करेगी, फेसेस कैनेडा का मैंने लाइनर मंगाया है, तो लेट्स ओपन इट, आज ही इसको यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि आज हमें जाना है, तो आज हम रेडी शेडी होएंगी थोड़ी थोड़ी, मेरे पास पेन लाइनर नहीं थे, ये तो बहुत छोटा है ये तो मेरी एक उंगली जितना है ये तो बहुत छोटा है यार, ओए इतना महंगा, इतना छोटा सा आया बताओ, बड़े कम से कम इतना तो होता है यार लाइनर, पेन लाइनर जो होते हैं, बट कोई बात नहीं चलेगा, बहुत अच्छा है, लंबा चलेगा,
क्योंकि कंपनी की चीज़ें अगर आप अच्छे ब्रांड्स की अगर आप चीज़ें इस्तेमाल करते हो तो वो लंबे समय तक रहती हैं, टिकती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो इसका निब काफ़ी पतला है जैसा हम लड़कियों को चाहिए होता है विंग बनाने के लिए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है विंग लाइनर जो है लगता नहीं है। अगर आपकी निब मोटी होती है तो हमें उसको पतला करना के लिए मतलब पतला लाइनर लगाने के लिए हमें फिर टेप वगैरह लगानी पड़ती है उसकी वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो मेरे बाल गीले हैं, मैं नहाई थी यार, बाल गीले पड़े हैं, मतलब नहाए तो मुझे बहुत टाइम हो गया, सुबह सुबह ही नहा ली थी, बट सर अब खोला है मैंने बाल, यानी टॉवल था वो अब हटाया है, रैप करके अच्छे से फिक्स कर रखा था, हिल ना जाए मेरा तो कि भैया ना काम होते हैं इतना टाइम नहीं होता कि फटाफट से। और ऑनेस्टली बताऊँ तो ड्रायर यूज़ करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, ड्रायर यूज़ ना करो चाहे कितनी भी ठंड हो, अपना नॉर्मल नेचुरल हेयर उसको ड्राई होने दो अगर आप चाहते हैं कि आपके हेयर्स ब्यूटीफुल रहें, सॉफ्ट रहें एंड स्ट्रांग रहें। तो बेटर अवॉइड हीट प्रोडक्ट्स, और अगर आप हीट प्रोडक्ट्स यूज़ करते भी हैं तो उससे पहले हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे लगाना ना भूलें, क्योंकि वो ज़रूरी होता है, नहीं तो बाल झड़ जाएंगे, गंजे हो जाओगे। ठीक है, सो भाई ये था व्लॉग, ये सारी चीज़ें मैंने छोटी छोटी मंगाई थी, ये चंद चीज़ें आई हैं मेरी, बस यही मंगाया था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मेरा इयररिंग गिर गया निकल के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर एंड कॉमेंट करके बताना कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और एक और बात मैं बता दूँ आपको, 22 जनवरी को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कीर्तन हमारी गली में, और कीर्तन होगा, भोजन मतलब प्रसाद बटेगा और खाना पीना सब हम लोग कर रहे हैं गली वालों के लिए। तो मतलब हम सब हैं, हम जितने भी घर हैं सब अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं मिलके, जो है हम लोग बाहर अपना कीर्तन करेंगे दोपहर के टाइम पे और सब कुछ करेंगे, दिए जलाएंगे और एक तरीके से दिवाली बनाएंगे लोगों ने तो पोस्टर लगा रखे 22 जनवरी हैप्पी दिवाली, आपका हार्दिक स्वागत है, इस तरीके से कुछ करके। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, सो बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे जल्दी। इंस्टाग्राम पे कर लेना मुझे फॉलो, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।